गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, श्रुति स्मृति अविज्ञाय केवलम गुरु सेवका ते वै संन्यासिन प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। अर्थात जो गुरु की सेवा में तल्लीन है वे भले ही श्रुतियों स्मृतियों को ना जानते हों पर वे सच्चे सन्यासी हैं, और जो गुरु सेवा से विमुख हैं वे भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हों पर वे केवल निर्वेशधारी हैं, उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। यहां पर जो बात आ गई है वो बड़ी सुंदर है। गुरु गीता में झूठे सन्यास झूठे सन्यासियों पर एक प्रहार है। केवल कपड़े बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। गुरु सेवा में होना, गुरु सेवा एक ही है, ज्ञान की सेवा। गुरु सेवा क्या है? अपनी जो सचेतनता है सजगता है उसमें तल्लीन रहना, उसके साथ चलना। गुरु सेवा का अर्थ ये नहीं है कि बैठकर किसी गुरु के पैर दबा रहे हैं, उसका व्यक्तिगत सारा काम कर रहे हैं। प्रेम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। प्रेम कभी सेवा शब्द का उपयोग ही नहीं करता। प्रेम है व्यक्ति से हो, विचार से हो, परिवेश से हो, हमसे स्वतः ही बहुत कुछ होता है। तो प्रेम के जगत में सेवा शब्द की कोई जगह नहीं, लेकिन सेवा शब्द है सेवित करना, यानी किसी चीज को नर्चर करना। तो गुरु सेवा है अपनी अज्ञान से ज्ञान की यात्रा को सेवित करते रहना, नर्चर, निरंतर उसको पोषण देना है, तभी तो हम सन्यासी होंगे। हम सन्यासी कैसे हो सकते हैं? सन्यासी कौन है? सन्यासी तो वही है जो निरंतर निरंतर सत्य की खोज में है, सत्य की यात्रा में है। शास्त्र आते हो उसको ना आते हो, उसको बहुत सारी बातें आती हो ना आती हो, लेकिन उसकी दृष्टि स्पष्ट है कि जो इस जीवन में सत्य है, शिव है, सुंदर है, मुझे उसकी तरफ जाना है। तो ये हुई गुरु सेवा। सूत्र कहता है ये व्यक्ति सन्यासी है शुद्ध रूप में, कैसे भी वस्त्र पहने, दुकान पे बैठे, घर में बैठे, आश्रम में बैठे, कहीं भी बैठे, ये व्यक्ति सन्यासी है। और जो व्यक्ति गुरु सेवा से विमुख है, यानी कि उसकी जो लीनता है, उसकी जो नर्चरिंग है, वो सत्य के लिए, शिव के लिए, सुंदर के लिए नहीं है, अपनी वासनाओं के लिए है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए है, अपनी मूढ़ताओं के लिए है, तो कपड़े जरूर पहन ले, लेकिन वो सन्यासी नहीं होगा, वो बस केवल दिखावा होगा, दिखावटी होगा। तो हमको जब भी सन्यास को देखना हो तो वस्त्रों के पार देखना चाहिए। वस्त्रों की उपयोगिता होती है कभी कभी प्रतीकात्मक रूप से। मैं भी जिस जीवन शैली को पसंद करता हूं वो वही जीवन शैली है जो वस्त्रों से परे है। कोई भी वस्त्र पहनो, इसे क्या अंतर पड़ता है? ज्ञान की, विवेक की, आलोक की यात्रा में तो रहो। वस्त्रों से ही थोड़ा ही हो जाता है कुछ भी। भाषा कौन सी बोलते हैं, हम कौन से शास्त्र पढ़ते हैं, इससे थोड़ा ही कुछ हो जाता है। हम उससे भी अपनी वासना और महत्वाकांक्षाओं को ही ईंधन डालते हैं, डाल सकते हैं। तो इसलिए सन्यासी और गैर सन्यासी के बीच का विभाजन इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करके हमको चलना है, बाहरी दिखावे वेशभूषा में नहीं उलझना है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए काम चलाओ होती है तो उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे मान लो हॉस्पिटल गए, हम हॉस्पिटल में सर्जरी होनी है, तो वहां से हमारे कपड़े हटा के वहां का हॉस्पिटल का जो ड्रेस होती है स्टरलाइज्ड, वो पहना दी जाती है। तो हॉस्पिटल में जितने दिन है वो स्टरलाइज ड्रेस पहनकर रहें, क्योंकि वहां पर उसकी उपयोगिता है। हमारे कपड़े इन्फेक्ट कर सकते हैं, उससे संक्रमण हो सकता है, वहां उन्होंने उसको ठीक कर लिया। ऐसे ही कभी कभी बड़े छोटे समय के लिए
सन्यासी की वेशभूषा उपयोगी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी किसी आइडेंटिटी से, पहचान से बहुत लगाव बना चुका है, तो उस पहचान को थोड़ी देर के लिए विसर्जित करके उसको एक दूसरी पहचान दी गई। संक्रमण का काल, शिफ्टिंग, ट्रांजिशन फेज। अब जब उसको पहली पहचान से लगाव खत्म हो गया, तो उसको दूसरी पहचान यानी सन्यासी की पहचान भी त्याग देनी होती है, फिर उसको सामान्य हो जाना पड़ता है। यही है अध्यात्म का वर्तुल, फुल सर्कल। एक पहचान में अटके थे, एक दूसरी पहचान टेम्परेरीली डाली हॉस्पिटल कंडीशन की तरह, पहली पहचान से हम मुक्त हुए, दूसरी पहचान को भी हटा के रख दिया, सामान्य हो गए और जीवन यात्रा में आगे बढ़ गए। तो यही है असली सन्यासी।